हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ माय एक्सलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज हम लोग इग्नो से रिलेटेड फिर एक बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट था कि प्रमोशन फॉर्म आखिर आ क्यों नहीं रहा और कब तक आएगा। तो आज मैं आपको सिंपल और सरल शब्दों में इसकी बात बताऊँगी कि आखिर क्या है सच प्रमोशन फॉर्म का। देखिए स्टूडेंट्स, इग्नो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और आपकी जो और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपकी रीजनल्स होती हैं, जैसे CCSU हो गई या CSRU हो गई, कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी, पंजाब यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वो रीजनल होती है, मतलब उसी पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करती है। बट इग्नो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ओवरऑल इंडिया को बिलोंग करती है, मतलब ये कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली और यूपी, हर जगह ये यूनिवर्सिटी है। तो जो ये बात करती है, ऐसा तो है नहीं कि ये झूठ बोलती है या कोई गलत बात कहते हैं, ऐसी बात कहते हैं जो असली में कभी होना ही ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने कहा था कि प्रमोशन फॉर्म आएगा, पहली बात तो ये है। कई लोगों के दिमाग में ये डाउट था कि अब देर बहुत हो चुकी है, क्या पता आए या ना आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रमोशन फॉर्म ज़रूर आएगा। और प्रमोशन फॉर्म अगर ना भी आए तो प्रमोट आपको ज़रूर किया जाएगा। अब सवाल आपके दिमाग में होगा कि किस ईयर के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। मैंने हर बार आपको बताया है कि जिन बच्चों ने जून 2019 में अपना एडमिशन लिया था और जून 2020 में उनके इंटरमीडिएट ईयर्स के एग्ज़ाम्स थे, चाहे वो फर्स्ट ईयर, जैसे MA MSc MCOM के फर्स्ट ईयर के होंगे और BA BSc BCOM के फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के होंगे, तो इंटरमीडिएट ईयर के स्टूडेंट्स का प्रमोशन होगा। और प्रमोशन फॉर्म से उनका कोई मतलब नहीं है। प्रमोशन फॉर्म तो एक इनका ऐसे ही काम आने विलिंगनेस फॉर्म था कि उसमें आप यस या नो भरोगे कि आप फॉर्म भरना चाहते हो या प्रमोट होना चाहते हो या नहीं चाहते, वो सिर्फ इनके एक रिव्यू के लिए। प्रमोट तो इन्हें करना ही करना है, ये बात तो एक फिक्स बात है। सिर्फ प्रमोशन फॉर्म का मतलब सिर्फ इतना था कि आपसे ये पूछा जाए, बच्चों के रिव्यू लिया जाए कि बच्चे प्रमोट होना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो असली सच तो प्रमोशन का यही है, प्रमोशन फॉर्म का, कि वो एक बिल्कुल ऑप्शनल था, प्रमोट तो इन्हें करना ही करना है। और दूसरी बात, एक और आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, अगर प्रमोशन फॉर्म आया ही नहीं तो क्या होगा। अगर प्रमोशन फॉर्म आया ही नहीं तो आप चिंता मत करो, आप बाय डिफ़ॉल्ट प्रमोट हो जाओगे। बाय डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब हुआ, आप जैसे आपने और देखा होगा CCS यूनिवर्सिटी में और कहीं भी आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ जाएगा प्रोविजनली प्रमोटेड, मतलब कोई मार्क्स नहीं लिखे हुए आएंगे, फाइनल पास्ट और प्रोविजनली प्रमोटेड ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो प्रमोशन फॉर्म से उसका कोई मतलब ही नहीं। अगर प्रमोशन फॉर्म नहीं भी आया तो भी इंटरमीडिएट ईयर्स के स्टूडेंट्स प्रमोट हो गए होंगे, क्योंकि देखो इनके पास टाइम भी कहाँ है ना। अब एक साल तो उनका वेस्ट हो ही गया और ये दूसरा डेढ़ साल भी ऑलमोस्ट वेस्ट हो गया, अभी तक बच्चों के फर्स्ट ईयर का इन्होंने क्लियर आउट नहीं किया, तो बच्चों के लिए भी ये दिक्कत वाली बात है और इनके लिए भी दिक्कत वाली बात है। तो स्टूडेंट्स, मेरा तो यही सजेशन है, आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए। वैसे भी फर्स्ट ईयर की तो आपने तैयारी कर ही रखी होगी, 99-95% तो प्रमोशन फॉर्म आएगा या प्रमोट आप होगे। आप सेकेंड ईयर की अपनी तैयारियाँ करना शुरू कर दीजिए। आप MA MSc MCOM के तो सेकेंड ईयर के करिए और BA BSc BCOM के तो सेकेंड या थर्ड ईयर की करिए। और प्रमोशन की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए, जैसी कोई न्यूज़ आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। स्टूडेंट्स, आपके लिए सारी न्यूज़ लाने की मैं जल्द से जल्द कोशिश किया करूँगी, एज सून एज इट विल बी पॉसिबल, बस आप चिंता मत करिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ या मेरी न्यू सेशन अगर पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।